नमस्कार सभी को। करंट अफेयर्स 2023 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? हु हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साकिब अल हसन। और आपको बता दें कि ये साकिब अल हसन बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जिनके अभी 136 विकेट हो चुके हैं, और सेकंड स्थान पर हैं टिम साउदी, जिनके 134 विकेट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस रमेश सिन्हा को। छत्तीसगढ़ वाले नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उप विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिचर्ड वर्मा जी को। आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? जिनको पता हो वो आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का 31वां सदस्य बना है, या फिर 31वां सदस्य देश बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लोग इंग्लिश में रीड करते हैं वो रीड कर लीजिए और आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाटो का 31वां देश फिनलैंड बना है। और आपको बता दें कि तुर्की के सभी सदस्यों द्वारा एकमत स्वीकृति के कारण फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य बनाया गया है, और नाटो के वर्तमान सचिव महामहिम जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। आप चाहें तो जानकारी को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्कूल चलो कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। आपके लिए क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? जिनको पता है आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट है, थ्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 किसे नामित किया गया है? आंसर दीजिए। और आप जितने प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं कृपया आंसर देने की कोशिश करते रहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 मुंबई को नामित किया गया है, और यह लगातार दूसरी बार नामित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन हैं? इंग्लिश में रीड कीजिए और आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट यानी 300 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यजवेंद्र चहल। और आपको बता दें कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनको जब भी नोट डाउन करें तो वर्तमान रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही नोट डाउन करें। जैसे कि अभी यजवेंद्र चहल हैं, नेक्स्ट टाइम मोहम्मद समी निकल गए या फिर मोहम्मद सिराज निकल गए, तो देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय देने के मामले में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। और आपको बता दें कि इस रैंकिंग में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, तेलंगाना तीसरे स्थान पर और यूपी 18वें स्थान पर, यानी ये टोटल 18 राज्यों की रिपोर्ट थी और सबसे नीचे यूपी है। नेक्स्ट है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 अप्रैल को। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे महत्वपूर्ण दिवस की PDF फाइल हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, वीडियो भी प्रोवाइड करा चुके हैं, टेलीग्राम पर PDF मौजूद है, आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर नोट्स क्वेश्चन की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए। और आपको करंट अफेयर्स की इससे पिछली वीडियो YouTube चैनल शिक्षा मेरे दोस्त पर प्लेलिस्ट वाइज मिल जाएंगी, आप जाकर के देख लीजिए। धन्यवाद।